अगर आपके टायर में इतना बड़ा पंचर हो जाए कि वो ट्यूबलेस के अंदर पंचर ना लग पाए, तो फिर आपको करवाना पड़ता है उसके अंदर ट्यूब, तो आपको उसमें ट्यूब डलवानी पड़ती है। तो मेरे टायर में इतना बड़ा छेद हो गया था, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें पंचर लगाने पर भी मतलब पंचर रुक नहीं रहा था, तो फिर टायर थोड़ा फूल भी गया था। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप टायर पकवा भी सकते हो, लेकिन जो पकवा नहीं सकते थे इसको, क्योंकि ये टायर एक तरफ से फूला हुआ था थोड़ा सा, तो काफ़ी चला हुआ भी था ये टायर। तो भैया ने बोला मुझे कि इसके अंदर आप ट्यूब डलवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर मैं इसको एज ए स्टेपनी यूज़ कर लूँगा। तो आज हम इसके अंदर डलवाएंगे ट्यूब, तो देखिए क्या प्रोसेस रहता है। ये मशीन है टायर को खोलने की, तो इस तरीके से भैया इसको खोल रहे हैं, तो आप पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे इसके अंदर अब ट्यूब डाली जाएगी। ये एक ट्यूबलेस टायर है, देखिए कैसे भैया ने मशीन में लगा के इसका टायर अलग कर दिया है। ट्यूबलेस में कुछ नहीं होता, कोई टायर में मतलब ट्यूब तो होती नहीं है इसमें, बस ये साइडों में गमिंग होती है और उससे चिपका हुआ होता है, और दैट्स इट। तो अब ये टायर अलग हो चुका है, तो अब जो जहाँ पर देखेंगे भैया यहाँ पर कहाँ पर कुछ छेद है क्या है, वहाँ पर फिर एक टायर ट्यूब का कोई गुटका लगाना पड़ता है, जिससे कि दोबारा वहाँ पर ट्यूब फटे ना या ऐसा कुछ ना हो। तो वही अब लगाएंगे इसके अंदर भैया, तो इन्होंने सेट कर दिया यहाँ पे, अब देखना आप। टायर हम पुराना भी ले सकते थे, भैया बोल रहे थे 2000 से शुरू होके कितने मर्जी का टायर ले लो, तो यही है, बट हमको स्टेपनी में यूज़ कर लेंगे। जो स्टेपनी का नया टायर था हम उसको वैसे यूज़ कर लेंगे ओरिजिनल में, तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे इसकी पिन लगा दी है भैया ने, और ये गया अंदर ट्यूब। अब इसको चारों तरफ से अंदर फिट किया जाएगा, तो देख सकते हैं। काफी मेहनत का काम होता है एक्चुअली में, टायर खोलना, पंचर लगाना, हेड्स ऑफ है यार, जितने भी हमारे जो ये काम करते हैं ना टायर ट्यूब का, मतलब बहुत मेहनत लग जाएंगे ना। काफ़ी तरीके से इसको अंदर किया जाता है बड़ी मुशक्क़तों के बाद, अब इसके अंदर कोई गमिंग की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो थोड़ी गमिंग लगानी पड़ती है ताकि एयर जो वो होती है वो बाहर ना निकले, बट अब तो ट्यूब आ गई है इसके अंदर, तो सीधा बस फिटिंग होगी। ये भी आने लगा दिया वॉल्व, इसमें हवा, तो फिटिंग होने के बाद ऐसा कुछ है कि इसमें वॉल लगा रहे हैं, और देख सकते हैं हमारा टायर रेडी है। तो अब इसमें जाएगी भरी हवा, ये देखिए, ये देखिए हो गया हमारा टायर रेडी विद ट्यूब, ट्यूबलेस से
ट्यूब वाला टायर हो गया अब हमारा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।